Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. This is Dwija and kaise hain aap? We are back reacting to Zakir Khan. I'm so sorry it took me such a long time kind of to react to his individual one because I have reacted to his crowd work and I think I'm going to be doing his audience roast very, very soon. But I have like few of his individual stand-up comedy saved. And today we're doing one of them. That is Zakir Khan's What Happens When You Fail In An Exam. It is again with AIB Divas. That is, I think AIB is All India. I'm not going to say the name. But I guess because last time I reacted to his stand-up comedy was also a part of this same setup, I guess. I don't know why I chose this. I just chose this randomly because I haven't gotten any specific ones that you want me to react to. The ones that I've saved, I just let you know, is Tu Husan Pari. I think it's that Santur advertisement, right? I guess. And Bahut Pigle Hai. That's the two else, and then this one that we are reacting to, maine save kiya. So we're gonna be doing that, okay? Fine. I hope it's fine. And if not, I don't know. Let me know which one you want me to react to and that might come first. Okay, let's go. Play it. I don't know what that was. Okay. कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहनी मम्मी से नहीं पूछना क्या माँ का दिल माँ प्यार बहुत करती है तुमसे ओके और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे बचपन से ही ना बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने व्हाई नॉट बट माय मम्मी यूज्ड टू सिंग दैट टू आई मीन जस्ट माँ बेटे का रिश्ता ऐसे सेकुलर रहने दो Why everyone just got so quiet? Got awkward. कुछ भी पहन लो नारंगी शर्ट काली पैंट सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूँ मम्मी कहती सही तो लगता है तू ही सोचता रहता है आपका तो पैदा केस का जजमेंट मान ही लेते हैं क्या आप घर से बाहर निकलते हो घर से दो गली छोड़ के जो मंदिर के बाहर अंधा भिखारी बैठता है ना वो भी कटोरा छोड़ के रोकने आ जाता तुम्हारा रास्ता कि नहीं भाई नहीं ये पहन के मर जाओ ना 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 ऐसे नहीं जा सकता भाई तू कती क्या लग रहा है भाई अभी बता ना अभी अभी मैं आ रहा था दिल्ली से प्लेन में ठीक है प्लेन में जाते बा अमीर आदमी आप हैं तुम्हारा तरह नहीं गरीब नीचे बैठे हुए पैसे टाइम है पहले पहुंच जाते विंडो ले लेते तो अपन गए तो अपन अपनी सीट थी 16A ठीक है विंडो वाली समझ रहे बादल बादल एंड इंस्टाग्राम ही माइट नॉट बी डूइंग दैट तो यार ये 16B पे यार एक लड़की बैठी थी यार मतलब और मतलब आधा कदी दिख लौट बे आई डिड नॉट गेट दिस मैं का मैं जैसे ही बोला मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप गलत बैठे अच्छा ओके बस sitting in कहती है कि मैं wrong आपकी सीट क्या मुझसे कहती है क्रॉस चेक कर रही है कि ये कौन आ गए मैं कहा नहीं मेरी सीट 16 है बोले मैं तो बी पे बैठी हूँ सही होगी मैंने कहा नहीं आप गलत बैठे तो मैं रेस्टोरेंट आ गई रेस्टोरेंट की टिकट चेक करी बोले मैम आपकी 16B नहीं 17B है पीछे वाली मिडिल वाली पर पीछे तो लड़की थोड़ी इंप्रेस हो गई ओके जैसे कहने लगी कि आर यू फ्रीक्वेंट फ्लायर लाइक आपको एग्जैक्टली पता था कि मेरी सीट कहाँ है मैं कह नहीं मुझे मेरी किस्मत के बारे में मालूम है वाह दिस पर्सन इज टेकिंग पिक्चर्स मे बी इज लाइक हार्ड आई डोंट नो लुक्स लाइक अ फैन साइट एक दीदी आप ये गले के हाथ गले से हाथ रख लो भैया के ऐसे लोग सिंगल रहते हैं उन्हें खराब लगता है अग्रीड व्हेन यू आर सिंगल यू हेट पीडीएस कितने लोग हैं जो फेल हुए कभी फेल हुए फेल हुए फेल हुए फेल हुए यहाँ आए तुम्हारी जिंदगी में था ही क्या कितने लोग ऐसे जो टॉप आते जो फर्स्ट रैंक में फर्स्ट टॉप 10 में आए हुए वो अच्छा आप बस अब आप अच्छा मैं तुमको और तुमको बताना चाहता हूँ कि तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है आई एग्री
मतलब तुम भी यही हो, एग्जैक्टली हम भी यही हैं, एग्जैक्टली सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। तो दैट्स ट्रू। एक बार मतलब फर्स्ट ईयर की बात है, 2007 की बात है, तो एक बार अपने को ना बैक आ गई, फेल हो गया मैं एक सब्जेक्ट में, एटी केटी जिसको कहते हैं, वो आ गई अपनी, ठीक है। तो जब आप फेल होते हो ना, तो ऐसे आपकी लाइफ नॉर्मल रहती, सिवाय मतलब ऐसे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता, मतलब वही छोटे भाई बहनों पे धुआं से कि चले पाल लिया, माँ पे वही आप वैसे ही हैरेस कर रहे हो कि ये मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैं की बना के दो, मैगी। बस एक पापा से ना हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो आप। इस डिस्टेंस का नाम है तो सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी। मतलब जैसे कि इंदौर वाला जो मेरे ख्याल है, जैसे मतलब आप सिमिलर मैग्नेटिक पोल वाली बात है, रिश्तों की गहराई मत समझ लेना, वही है इसके अंदर। मतलब ना आप एक कमरे में रहते हो, जैसे कि वो हॉल में तो आप किचन में हो, किचन में तो आप ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में तो आप ऊपर वाले कमरे में हो। तुम लोग को समझ में आ रहा है, तुम लोग बॉम्बे से हो ना। ओह माय गॉड, द स्पेस। अनरिलेटेड अनरिलेटेड, इंदौर में जो मेरा घर है उसमें एक पेड़ भी है। ओह पता है, नहीं मुझे मालूम, बोलना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, पर मेरी गाड़ी घर के अंदर पड़ी है। ए तो भाई एक महीने का वनवास काटने के बाद, 2007 में याद है वर्ल्ड कप भी था, ठीक है, क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे घर के दो बड़े मर्द एक साथ आएंगे, और बाप बेटी की ना बनती नहीं, मतलब जैसे वो थोड़ा हल्का सा ना आपका ना हल्के से, जैसे जैसे टीनेज में आते हो ना आप, अपने बाप से बनना बंद हो जाती है, और कुछ नहीं चुते मतलब, और कॉम्पिटिशन बराबर कॉम्पिटिशन भी बराबर करनी, क्योंकि अगले का घर है, ऊपर से पढ़ाई की फीस भी वही दे रहा है। पर आप हाफ हार्टेड ट्रेवल करते हो, मतलब ना आप बाप से पिट के नमाज से कह रहे होते, सुनो अपने हस्बैंड को समझा लो। तो कुछ नहीं भाई, अपन कंफर्ट चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि कंफर्ट कितना आया। टॉस हुआ, अपन खसक गए, नीचे बैठे थे पापा सोफे पे, खसक गए, पांचवे ओवर में सोफे पे आ गए, कंफर्ट देखो बस लड़के का। 10वें ओवर में पैर पे पैर, हाथ यूं, कंफर्ट देख रहे हो। 12वें ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो गया, नीचे वापस, पापा कह रहे यार कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए। ओके। लेकिन तब तक अपना कंफर्ट आसमान फाड़ चुका था। मैंने कहा नो नो पापा, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन इट। ओके, कंफर्ट देख रहे हो, डिसएग्रीमेंट प्लस इंग्लिश। सचिन क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, बापू भी झड़ती में आ गया। कहते अच्छा ठीक है, मेरे को लगा अथॉरिटी भी चेक कर लूँ हल्की सी। मैंने कहा वो पकौड़े बनवा लूँ, कहते हाँ बनवा ले। मैंने कहा मम्मी, अथॉरिटी देख रहे लड़के, मैं कहा पकौड़े बना देना और चाय भी। भाई साहब घी के दिए जल चुके हैं, सब कुछ हंकी डोरी हो गया, सब कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि तभी एक सेंटर फ्रेश का ऐड आता है, पिताजी मैं फिर से फेल हो गया। मैं कहा तेरी माँ का। Okay, that's it from my oh side. Thank you no. very much. You've been a great one. No, I do think this is like the little bit different than the one I saw before this, because at that time Tanmay Bhatt was also on the stage, and I think I do remember the faces of the comedians who were present on the stage at that time, but I do not remember the names. I apologize for that, but I really like watching his and hip basically, and this is this act that he puts on. Or may might not it be an act, he just talks like that. Like last time I asked you guys, does he talk like that or it's his character? I got mixed responses. Someone said yeah, he talks like that, that's just his normal way of saying, and they were like no, it's just his character, he doesn't really talk like that. So I'm confused even now, but I like his comedy, it's innocent. I enjoy such type of comedies, I've said that before, and I enjoyed it as well. Yeah, I mean, we definitely have two more saved to watch later. If there is some other ones that you want me to watch, or either of the ones that you feel I'll really enjoy, of course, recommend me, suggest me. I'll be here doing it. I hope you enjoyed. I did, and I will see you guys next time. Bye, berries. Love you.